नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेबर कार्ड कैसे बनाते हैं, लेबर कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल तरीके से घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे न्यू टैब में आ जाना है। न्यू टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है UPBOW। ओके, जैसे टाइप करेंगे इसकी मेन साइट सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है श्रमिक, श्रमिक पे आपको क्लिक करना है। अगर श्रमिक पे क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ BOCW पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको श्रमिक पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे श्रमिक पंजीकरण संशोधन, ओके, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो भी आपके पास आधार नंबर है वो डालिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आवेदन पंजीकरण संख्या भी नहीं मिला है आपको, तो ये छोड़ देना है। आपको यहाँ पे मंडल का नाम चूज करना है, जो भी आपका मंडल है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको अपना जनपद का नाम चूज करना है, जो भी आपका जनपद है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एक डालना है। तो इसके बाद डालने के बाद आपको आवेदन संशोधन पे क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देना है। एक नंबर आपके नंबर पे एक OTP आएगा, सिंपल से उस OTP को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे OTP डाल लेते हैं। OTP आ चुका है। यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रमाणित करें पे क्लिक कर देना है। ओके, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। इस फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से फिलअप कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर मांग रहा है, तो आपको राशन कार्ड नंबर छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। डालना है नहीं डालना है वो आपके ऊपर है। इसके बाद अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। पिता का नाम डालना है, इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। माता का नाम डालना है, यहाँ पे माता का नाम आपका ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में आ जाएगा। आपको इंग्लिश में भरना है, हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कार्य का प्रकार, यहाँ पे आपको जो भी कार्य करते हैं आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्लम्बिंग। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिंग आपको चूज करना है, पुरुष है स्त्री है, जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, वैवाहिक है अविवाहिक है यहाँ पे डाल दीजिए, आयु डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जाति का अनुसूचित जाति, यहाँ पे आप जाति OBC SC जो भी है यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नियोजन का पता, नाम पता ये सब छोड़ देना है। यहाँ पे तहसील आपको चूज करना है, जो भी तहसील है। यहाँ पे विकासखंड आपको चूज करना है, जो भी आपका विकासखंड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे गांव का नाम चूज करना है आपको, जो भी आपका गांव का नाम है यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना विकासखंड चूज कर लेता हूँ, जो भी मेरा विकासखंड है। यहाँ पे अपना गांव का नाम चूज कर लेता हूँ, मेरा जो गांव का नाम है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे जो है पिन कोड नंबर एक डाल देंगे अपना, जो भी पिन कोड नंबर है आपका। चुने पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो आपका जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे चूज कर लेंगे। थाना, आपका थाना जो भी है वो आप चूज कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको गली नंबर आपको चूज करना है, मकान संख्या चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है, आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ओके, आपका जो स्टेट है वो चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मंडल आपका चूज करना है, जो भी आपको मंडल है। इसके बाद यहाँ पे आपको तहसील आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे बदलापुर आपका जो तहसील आपका जो है वो चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना विकासखंड आपको चूज करना है, जो भी आपका विकासखंड है यहाँ पे विकासखंड में चूज कर लेता हूँ। ओके, तो विकासखंड यहाँ पे देख लेते हैं क्या विकासखंड है मेरा, तो महाराजगंज है। ओके, महाराजगंज चूज कर लेते हैं, महाराजगंज। इसको आप चाहे भरिए चाहे छोड़ दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे भर दीजिए, भर देंगे ठीक रहेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे थाना आप चूज करेंगे, जो जो आपको टिक के बगल में यहाँ पे रेड कलर दिए गए वो आपको भरना जरूरी है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आपको 120 दिन, यहाँ पे कितना दिन आपने काम किया है वो यहाँ पे चूज करेंगे। आपका 3 महीने से ऊपर होना चाहिए, मतलब 3 महीने आपने काम किया होगा, 90 दिन आप तो काम किए रहेंगे तभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 1 वर्ष यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या, नामिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है, अगर हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी का नाम मैं यहाँ पे पिता का नाम डाल देता हूँ। ओके, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे संबंध पिता, ओके, यहाँ पे पिता सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे खाता नंबर आपको डालना है, खाता नंबर आपको। इसके बाद IFSC कोड,
यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है, आपको बैंक डिटेल्स वगैरह आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे खाता नंबर, खाता का चुने, यहाँ पे बचत खाता है, चालू खाता है, जो भी आपका है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ईपीएफ नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है फ़ोटो अपलोड करना। ओके, तो सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। आपका फ़ोटो का साइज़, डॉक्यूमेंट का साइज़ 100 KB के अंदर होना चाहिए, तभी आपका जो ये है मान्य होगा, नहीं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो आपका फ़ोटो जो है 100 KB के अंदर होना चाहिए, तभी ये फॉर्म जो है ले पाएगा, नहीं तो ये एरर बता देगा। ओके, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटो का भी एक अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको स्वप्रमाणित पासबुक, एक पासबुक का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्वप्रमाणित यहाँ पे जो है घोषणा पत्र, यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था आपको आगे, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे सब डिटेल्स हो गया। अब यहाँ पे अगर यदि किसी अन्य राज्य की इसी बोर्ड में पंजीकरण है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ पे श्रमिक का परिवार के सदस्य का विवरण, यहाँ पे अगर आपको पंजीकरण नंबर है श्रमिक का जो है, अगर आपके सदस्य में, किसी के परिवार के सदस्य में अगर आपका जो नाम है तो यहाँ पे इंटर करेंगे, पंजीकरण नंबर है तो इंटर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं पंजीकरण का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, जिसका नाम है यहाँ पे। इसके बाद सदस्य का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है लिंक चूज करेंगे, आपको यहाँ पे पुरुष, ओके, यहाँ पे वर्ष, आयु, इसके बाद यहाँ पे संबंध चूज करेंगे जो भी हैं। इसके बाद यहाँ पे सब पे टिक करेंगे, चारों पे टिक करेंगे। यहाँ पे आपको जोड़े पे क्लिक कर देना है। जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो है सदस्य यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, सदस्य ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से जो फोटो अपलोड कर देना है आपको, ये सब जो है सदस्य जैसे ऐड करेंगे, रिफ्रेश होगा कोई भी आपका फाइल तो ये ऑटोमेटिकली जो है, यहाँ पे अगर फाइल आपका 100 KB से ऊपर रहेगा तो इनवैलिड फॉर्मेट दिखा देगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 100 KB के अंदर रहना चाहिए। प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो आपको साइज़ कम करने के लिए एप्लीकेशन बहुत मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो नीचे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो स्पेशल बना दूंगा और आपको बता दूंगा कौन सा आपको अपलोड करना है। ओके, तो यहाँ पे आधार कार्ड एक अपलोड कर लेते हैं फिर से। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बैंक पासबुक जो आपने फ़ोटो कापी करा किया है, यहाँ पे फ़ोटो लिया है उसका, और यहाँ पे आपको स्वप्रमाणित एक जो है इसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे पंजीकरण करें इस पर क्लिक कर देना है। आपको सब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे पंजीकरण पे क्लिक करें इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देने को मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से बता रहा है कि अगर आप फाइल का अगर आपका सही है तो आगे बढ़े, नहीं तो आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। फिर से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पंजीकरण क्लिक करें, अगर एडिट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो भुगतान करें आगे बढ़े। ओके, तो इस पर आपको क्लिक करना है, भुगतान करें पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप भुगतान करें पे क्लिक करने के बाद, अगर जैसे मान लीजिए आपने जो मैंने एक ईयर सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ईयर, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक ईयर यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे 2, 3, 4 ईयर सिलेक्ट करेंगे तो आपको पेमेंट कटेगा 20 रुपये 30 रुपये ऐसे आपको कटेगा। ओके, यहाँ पे भुगतान करें पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है आपको श्रमिक की आवेदन की संख्या मिलेगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको न्यू टैब में आना है। न्यू टैब में आपको यहाँ पे टाइप करना है UPBOW। जैसे आप टाइप करेंगे तो इसकी मिनिमम साइड भी फिर से चले जाना है। यहाँ पे आपको आना है श्रमिक पे, श्रमिक पे यहाँ पे आने के बाद, श्रमिक पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पंजीकरण की स्थिति, पंजीयन की स्थिति यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका जो भी आपका नंबर है, आधार कार्ड नंबर जो भी है वहाँ पे, यहाँ पे इंटर करेंगे आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे, तो सर्च पे क्लिक कर देंगे आपका जो डेटा है पूरा का पूरा आ जाएगा, जिस
जब अब जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है यहाँ पे पूरा पूरा डेटा आ जाएगा, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा जो ना जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है यहाँ पे आ चुका है। अब ये अप्रूव होगा कंपनी की तरफ से, ये अप्रूव होगा, वहाँ से आपको अप्रूव किया जाएगा, इसके बाद जो आपको कार्ड बन के आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका जो श्रमिक कार्ड है वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, आपका श्रमिक कार्ड बन जाएगा, वो आपके आपके ठेकेदार के यहाँ आ जाएगा, आपको आपके ठेकेदार से आप अपना जो है श्रमिक कार्ड ले लेना है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से घर बैठे श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी अब भी कोई भी सवाल है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है RaviTech143। ओके, चलिए फटाफट फॉलो करिए। तो बस आज की वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।